पाकुड़ में जीआरपी ने यशवंतपुर एक्सप्रेस से 18 बच्चों को रेस्क्यू कराया है। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के नाम पर इन बच्चों को बिहार के मधेपुरा से ओडिशा ले जाया जा रहा था। जीआरपी को इसकी सूचना जैसे ही मिली, पाकुड़ में इन बच्चों को ट्रेन से रेस्क्यू कराया गया। फिलहाल बच्चों से पूछताछ की जा रही है। गाइडलाइन पाकुड़ के द्वारा हम लोग को जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दिया गया कि कुछ बच्चे जो है ट्रेन से बिहार से उड़ीसा लिए जा रहा था, और उसी सूचना के आधार पर जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त से सारे बच्चे को यहाँ रिलीज किया गया, उतारा गया। यहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त छापामारी में और चालान भी सपोर्ट किया है, इसमें 18 बच्चे अभी उतारे गए हैं इस ट्रेन से, और ये बच्चे जो हैं बिहार से उड़ीसा जा रहे थे। ये लोग कहना है कि अब पढ़ने जा रहे थे, अभी जांच चल रही है सर क्या बात हो रहा है। सीडब्ल्यूसी को बुलाया गया, खबर दिया गया है, अभी सीडब्ल्यूसी के पास से बच्चे प्रस्तुत होंगे, फिर अगली कार्रवाई कर दी जाएगी। गाइडलाइन पाकुड़ के द्वारा हम लोग को जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दिया गया कि कुछ बच्चे जो है ट्रेन से बिहार से उड़ीसा लिए जा रहा था, और उसी सूचना के आधार पर जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त से सारे बच्चे को यहाँ। उड़ीसा ले जाया जा रहा था, लेकिन इस बीच आरपीएफ को इसकी जानकारी लगी और ट्रेन से 18 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया। हमारे संवाददाता जयदेव और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जयदेव, क्या जानकारी इस मामले में मिल रही है? बच्चों से जुड़ी पूछताछ में क्या जानकारी आरपीएफ को प्राप्त हुई है? जी, ये चाइल्डलाइन जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने यहाँ पर यशवंतपुर एक्सप्रेस में छापामारी की, रेस्क्यू कर 18 बच्चे को निकाला है, और इसके साथ तीन और बच्चे और तीन लोग थे इनके साथ जुड़ा हुआ। तो सभी बच्चों से पूछताछ किया जा रहा है, ये मधेपुरा बिहार के रहने वाले हैं, इन लोगों को लेकर उड़ीसा के कटक में लेके जा रहा था। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को पढ़ाने के लिए लेके जाया जा रहा है, परंतु पूरे मामले की अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। चाइल्डलाइन का साफ तौर पर कहना है कि ये सब बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, और रेस्क्यू करके उन लोगों को सीडब्ल्यूसी में उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, बच्चों को जो व्यक्ति ले जा रहा था वो पकड़ा गया है, उससे कुछ जानकारी मिली है? उन लोगों का कहना है कि परिजनों का कहना है कि ये बच्चे हम लोग इकट्ठा करके एक मदरसा में पढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, ना कि कोई काम करवाने के लिए, परंतु पूरे बिंदु पर भी जांच कर रही है, क्योंकि जहां भी इस बच्चे का एडमिशन है या उस बच्चे जहां पढ़ने जा रहे थे वहां का साक्ष्य मांग किया गया, अभी तक साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया। उन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग हैं, परंतु जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से भी उन लोगों से साक्ष्य मांगे, साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं करवा पाया। जी, धन्यवाद जयदेव इन तमाम जानकारियों के लिए।